तो हमने पानी को देखिए फुल टेम्परेचर कर लिया है, नीचे से देखिए बबल्स आ रहा है, कितना ज्यादा तगड़ा वाला पानी गर्म हो गया और फुल टेम्परेचर है, क्योंकि हमको देखिए कैसे कट गया है कलर और कहीं कहीं पे अभी रह गया है, इसको अच्छे से। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो दोस्तों, मैं हूँ अभी दुकान पे, काम पे आया हूँ और अभी दोपहर के बज रहे हैं एक, और आज हम कुछ करने वाले हैं अलग। जैसे मान लीजिए हम आपको अक्सर वीडियो में दिखाते हैं कि हमने व्हाइट कपड़े में व्हाइट लेस में हमने कलर करते हुए आपको दिखाया है सारा चीज़, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कलर किया हुआ एक दुपट्टा आया है हमारे पास, उसको कलर निकालना है और निकाल के फिर दूसरा कलर डबल कलर का हमको उसमें करना है। तो आज कुछ अलग वीडियो होगा, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमने पानी को देखिए फुल टेम्परेचर कर लिया है, नीचे से देखिए बबल्स आ रहा है, कितना ज़्यादा तगड़ा वाला पानी गर्म हो गया और फुल टेम्परेचर है, क्योंकि हमको कलर निकालना है, तो कलर निकालने के लिए और ज़्यादा गर्म पानी करना पड़ता है। और हमारे पास पीस है, देखिए ये बांधनी हम बोलते हैं इसको, कैसे तरह के बांधा हुआ है छोटे 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 चीज़ों में, देखिए ये सारा डिजाइन है इस पर। तो हमको रेड कलर है, इसका कलर निकालना है पूरा, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और कलर निकालने वाला पाउडर हमने रखा है यहाँ पे, देखिए ये है, काफ़ी ख़तरनाक पाउडर है, इसको हमको बहुत बचा के काम करना पड़ता है कलर निकालने वाला काम। देखिए हम पाउडर डाल रहे हैं इसमें, इसका नाम हाइड्रो है, हम इसको हाइड्रो बुलाते हैं, कलर निकालने में काम आता है। देखिए कुछ हमने इतना पाउडर डाल दिया है, अब इसी पानी में हम इस कलर वाले दुपट्टे को डाल देंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगता है कलर निकलने में, या धीरे धीरे कलर हल्का हो रहा है, इसके गैस ना निकल जाए इसके लिए हम इसको ढक देंगे ऐसे, ताकि अंदर अंदर पूरा फट जाए, और गैस भी थोड़ा फास्ट कर देंगे ऐसे कुछ इस तरीके से। देखिए कैसे कट गया है कलर और कहीं कहीं पे अभी रह गया है, इसको अच्छे से केमिकल वाले पाउडर वाले पानी में डुबो के रखेंगे, ताकि पूरा अच्छे से साफ हो जाए। देखिए कहीं कहीं पर लाल है और कहीं कहीं पर एकदम मस्त कलर निकल गया इसमें से, और थोड़ा पाउडर इसमें और डाल देंगे ताकि और जल्दी से कट जाए, ऊपर से पाउडर डाल देंगे इसके। तो दोस्तों देखिए हमारा जो कलर वाला दुपट्टा था बिल्कुल कलर इसमें से निकल गया है, काफ़ी अच्छे से कलर निकल गया। अब इसके ऊपर हम फिर दूसरा कलर भी बना सकते हैं, तो इसको एक एक करके निकालते हैं डंडे की मदद से, क्योंकि पानी काफ़ी गर्म है, हाथ तो लगा नहीं सकते, और इसमें रख देते हैं ठंडा पानी में, ठंडा पानी इसमें और भर देते हैं। देखिए इस तरीके से कलर हमारा निकल गया, पहले था ऐसा कलर, अब हो गया वैसा कलर, कलर निकाल के हमने। और ऐसे फैन भी चल रहा है तो थोड़ा राहत मिल रहा है, नहीं तो और दिक्कत होती, क्योंकि इसका स्मेल बहुत ख़राब स्मेल आता है, तो एग्जॉस्ट फैन चल रहा है तो सारा स्मेल निकल रहा है बाहर। और अभी एक दुपट्टा और बच गया है, ये वाला यहाँ पर रखा हुआ हमने, अभी इसको भी मैं डाल दूँगा इसमें। और पानी देखिए कैसा हो गया, पहले हमने जब पानी गर्म होने के लिए रखा था तो पूरा वाइट था, और अभी देखिए पीला पीला हल्का येलो जैसा हो गया पूरा। इसको डालते हैं देखते हैं, ये थोड़ा फैब्रिक दूसरा है, इसको देखते हैं कलर निकलने में कितना टाइम लगता है, इसको भी ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब कलर इसमें से नहीं निकलेगा तो फिर से हमको ये हाइड्रो वाला पाउडर इसमें डालना पड़ेगा, तब तक इसको धुलाई कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने जो कलर निकालना था हमने निकाल के यहाँ पे साइड में नीचे रख दिया है, और हमने साफ पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और ऊपर से ढक दिया है इसलिए ताकि जल्दी गर्म हो जाए, क्योंकि जो कलर निकालने वाला होता है इसको फटाफट से बना के तुरंत ही सुखा देना होता है, नहीं तो बाकी कपड़ा ख़राब हो जाता है। और ऐसे ही हम दूसरा जो बाकी बचा था एक दुपट्टा उसका निकाल रहे थे, तो इसका कलर पूरा नहीं निकला, इसमें कुछ कई तरह के धागे हैं इसमें, तो एक वाइट हो गया है और एक वाइट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए, इसको हम कलर बना देंगे दूसरा, पीला नहीं बन पाएगा पूरा, लेकिन ऑरेंज टाइप का बन जाएगा, मस्टर्ड पीला बन जाएगा, और इसको तो हम जो चाहें कलर वो बन जाएगा। तो जब पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसको निकालेंगे, धुलाई करेंगे और तुरंत ही बना के तुरंत ही फैला देंगे सूखने के लिए। दोस्तों देखिए हमने दुपट्टे को बांध लिया है इस तरीके से, हमने बांध के रखा है प्लास्टिक से, अब इसको जा रहे हैं डबल कलर करने, पहले हम पीला कलर बनाएंगे येलो कलर। तो हमने यहाँ पे येलो कलर का पानी गर्म करके रखा है, बस इसमें हमको कलर पाउडर डालना है। देखिए हमने कलर में डाल रहा हूँ मैं, कलर मैंने डाल दिया है, देखिए कैसे पीला कलर हो रहा है कितना मस्त, पहले इसके ऊपर लाल कलर था और पीला कलर हो रहा है, और ये बाकी का जो हिस्सा है इधर का इसको हम ग्रीन कलर करेंगे। दोस्तों हमारा पीला कलर तैयार हो गया, अब इसको हम धुलाई करके इसका पानी निकाल देते हैं मशीन में डाल के।
हम पानी निकाल देंगे, उसके बाद इसका जो बाकी का हिस्सा बचा है उसको हम ग्रीन कलर बनाएंगे। अभी इसको हम इधर से खोल के इधर बांध देंगे और यहाँ का हिस्सा हम खुला कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमने पलट लिया इसको। अब हम ग्रीन कलर बनाने के लिए हम इसमें कलर डाल लेते हैं पहले। देखिए इसमें हम दो कलर मिक्स करेंगे। पीले वाले के हिस्से को बहुत बचा के हम डालेंगे दूसरा वाला हिस्सा। देखिए ग्रीन कलर बन रहा है कितना मस्त। दोस्तों देखिए हमने डबल कलर बना दिया। ये पूरा कलर लाल कलर था, इसका हमने कलर निकाला, फिर इसके ऊपर हमने पीला कलर किया, फिर दूसरा कलर हमने ग्रीन कलर कर दिया और काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए तो इसी के साथ वीडियो करते हैं एक खत्म। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो से, जब तक के लिए बाय बाय।